देखो एंगुलर विड्थ इन YDSC, ये क्या होती है एंगुलर विड्थ? देखो एंगुलर विड्थ है, सपोज करो आपके पास ये स्क्रीन गिवन है, ये दो स्लिट्स हैं, पहली स्लिट और दूसरी स्लिट ये गिवन है, मान लो ये पी पॉइंट है, मान लो ये पी पॉइंट है जहाँ पर क्या है कोई इंटरफेरेंस हो रही है, ये कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और ये डिस्ट्रक्टिव भी। हम क्या करते हैं, सारे डिस्टेंसेस कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम सेंटर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब मान लेते हैं एक मिनट के लिए यहाँ पर दो वेव्स आके मिलती हैं, ठीक है, तो मैं 2 मिनट इसको मिटा रहा हूँ, ये वेव नहीं है, मैं इसको भी मिटा रहा हूँ 1 मिनट। तो पी पॉइंट है जहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर इंटरफेरेंस हो रही है, दो वेव्स आके मिल रही होंगी, सही है? यहाँ पर मैंने आपको ये भी दे दिया कि ये जो पी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है ये आपका मान लो फिफ्थ ब्राइटनेस का पॉइंट है, दे दिया मैंने आपको फिफ्थ ब्राइटनेस का पॉइंट है। अब फिफ्थ ब्राइटनेस का पॉइंट का मतलब क्या है, एक्स बोलो क्या होगा, 5 लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी, ऐसे होगा ना, राइट? और ये क्या होता है, डिस्टेंस कैपिटल डी। ठीक हो गया यहाँ तक? ये मैंने दे दिया। तो मैं आपसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला, पी पॉइंट की पोजीशन क्या है? जब मैं बोलता हूँ पोजीशन क्या है, फिर आप मुझे एक्स बताते हो 5 लैम्डा d/d। जब मैं बोलता हूँ एंगुलर पोजीशन क्या है, तो एंगुलर पोजीशन के अंदर आप क्या करते हैं, आप इन दो स्लिट्स का जो सेंटर है ना उसको पी पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, स्लिट के सेंटर से पी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं और आप ये एंगल निकालते हैं थीटा। इस थीटा को क्या बोलते हैं, इसकी एंगुलर पोजीशन। थीटा इज नोन एज पोजीशन का मतलब एक्स, एंगुलर पोजीशन का मतलब थीटा। तो बोलो थीटा क्या निकलेगा, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, 5 लैम्डा d/d डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना है, कैपिटल डी। तो आंसर क्या आ गया, 5 लैम्डा d/d। आप ये देखो कि स्मॉल डी कैपिटल डी mm के अंदर गिवन है, ये ना सोचना मीटर मोटर गिवन है, ये जो आप सोच रहे हो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स मीटर मोटर में नहीं आती, बहुत छोटे लेवल का एक्सपेरिमेंट है ये, तो इसलिए एंगल भी बहुत बड़े नहीं बनेंगे, एंगल छोटे बनते हैं, और जब एंगल छोटे होते हैं तो टैन थीटा अप्रोक्सीमेटली कैन बी रिटन एज थीटा, तो एंगुलर विड्थ थीटा ये रेडियंस में आएगी। ठीक है यहाँ तक? तो जैसे अगर मान लो कोई भी आपको पोजिशन गिवन हो, उस पोजिशन को कैपिटल डी से डिवाइड कर दो, बस अपने आप एंगुलर पोजिशन आ जाएगी। जैसे मैं आपको 7th मिनिमा का डिस्टेंस दे देता हूँ और बोलता हूँ 7th मिनिमा के एंगुलर विड्थ निकालो, तो कुछ नहीं करना, ये आपको गिवन है 7th मिनिमा, उसको कैपिटल डी से डिवाइड कर दो, उसकी एंगुलर विड्थ आ गई, बात खत्म। तो इसका कोई फॉर्मूला तो बनेगा नहीं, एंगुलर विड्थ में बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी गिवन है उसको डी से कैपिटल डी से डिवाइड कर लेना है।